हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे एक ऐसी एक्टिविटी जो न्यूबॉर्न बेबी को आपको ज़रूर करानी चाहिए। इससे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है और इससे बच्चा जल्दी नेक सपोर्ट करना सीखता है, जल्दी क्रॉल करना सीखता है और जल्दी बैठना सीखता है। और अगर आप इस एक एक्सरसाइज को स्टार्टिंग से ही बच्चे को कराते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग जो माइलस्टोन होता है उसे टाइम से अचीव करता है। और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि किस केस में आपको बच्चे को ये एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करानी चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस एक एक्टिविटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ताकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चले और आप ये बच्चे को ज़रूर कराएं। तो फर्स्ट इसका बेनिफिट है कि इससे बच्चे की मसल्स डेवलपमेंट अच्छे से होती है, बच्चे की शोल्डर मसल्स स्ट्रांग होती हैं, बच्चा जल्दी नेक सपोर्ट करना सीखता है। नेक्स्ट है, इससे बच्चे की बैक को भी बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट है, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो इस एक एक्सरसाइज से बच्चे की गैस बनना भी कम हो जाता है और बच्चे की गैस बहुत आराम से पास होती है। और इस एक एक्सरसाइज से आप देखेंगे कि बच्चे को अक्सर ही जो फ्लैट हेड की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी बच्चे का सर जो चपटा हो जाता है, अगर आप ये एक्सरसाइज बच्चे को कराएंगी तो बच्चे का सर भी चपटा नहीं होगा। नेक्स्ट है, बच्चा बहुत ही जल्दी रोल ओवर करना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है और बैठना सीखता है। अब बात करते हैं ये एक एक्सरसाइज या एक्टिविटी क्या है। तो ये है बच्चे को टमी टाइम देना। बच्चे को टमी टाइम देने का मतलब है बच्चे को पेट के बल लिटाना, वो भी फ्लैट सरफेस पे। तो जब बच्चा 1 मंथ से बड़ा हो जाता है, उस केस में आप बच्चे को फ्लैट सरफेस पे लिटाइए पेट के बल। आप बच्चे के नीचे ब्लैंकेट रख सकते हैं जिससे बच्चे को कंफर्टेबल लगे, या फिर कोई सॉफ्ट मैट बिछा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको बच्चे को केवल 1 मिनट के लिए टमी टाइम देना है, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 5 to 10 मिनट कर दीजिए। और जब बच्चा 2 मंथ्स का हो जाता है तो उस केस में आप दिन में 2 से 3 बार बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे को हमें ये एक एक्टिविटी कब नहीं करानी चाहिए। तो फर्स्ट है कि आपका बच्चा अगर सो रहा है तो उस केस में कभी भी बच्चे को टमी टाइम मत दीजिए, या बच्चे को नींद आ रही है तो उस केस में बच्चे को टमी टाइम मत दीजिए। और नेक्स्ट है, अगर बच्चे ने अभी फीडिंग लिया है तो उसके बाद आपको टमी टाइम नहीं देना है, दूध पीने के लगभग आधे घंटे के बाद ही आपको बच्चे को पेट के बल लिटाना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।